हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे गाइज राजा राम मोहन रॉय को, ज्योतिबा फूले को, हेनरी विवान डेरेजियो को, भीमराव अंबेडकर को। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमारे प्रीवियस सेशन के अभी पेंडिंग हैं, उनको भी हम करेंगे। लास्ट सेशन में हमने गाइज गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय है उसको कवर किया था। आज उससे आगे की बात है वो हम करने वाले हैं। जो एमसीक्यूज हैं उनको भी कवर करेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, नेहरू जी हैं, इनको डिटेल में हम कर लेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का है जो हर बार आपसे पूछा गया है इन द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। और वैसे तो आज हमारा लास्ट डे है, लेकिन देखो ये जो जर्नी है ये तो हमारी कंटिन्यूअस जर्नी है। तो ये नए साल तो हर बार आएंगे ना, तो आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है ना। तो जो भी लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्लास के बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास को आप सब लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए एक बार, और पूरी क्लास को आप अटेंड करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो अभी हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में ये प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो भी क्लासेस होंगे उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है जो अगले 3 दिन के लिए रहेगा, यानी 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक ये ऑफर है आपके लिए। ऑफर ये है कि अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, तो आपको 22% ऑफ है जो यहां से अभी मिलने वाला है। 22% ऑफ है जो आपको मिलेगा, प्लस आपके जो क्रेडिट्स हैं उनका भी आपको ऑफ मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है जो अभी मिलेगा अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस। तो जितने भी प्लान है इन पे अभी आपको 22% डिस्काउंट है वो मिलेगा, प्लस आपके जो क्रेडिट्स हैं उनका डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और अभी हमारे पेपर 2 का प्रयास बैच है गाइस जो मैं शुरू करने वाला हूं आपके लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 यानी हिस्ट्री का प्रयास बैच है, उसको हम शुरू करेंगे। ये 6 मंथ आपका लॉन्ग कोर्स होगा जो अभी चल रहा है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, प्रयास में हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं उसके लिए काफी अच्छा ऑफर है, 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो सबसे बेस्ट प्लान आपके 24 मंथ एंड 12 मंथ के हैं, इनको आप ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में Shiv10, जैसे ही आप रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा। इस रेफरल कोड से आपको 22% है वो डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। आइकोनिक लेंगे तो ज्यादा आपको फायदा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब आपको मिलता है। ये आपका शेड्यूल है, आप इसको फॉलो कीजिए। और अभी हमारी प्लस की क्लास भी होगी 2 बजे, तो सब लोग प्लस की क्लास को भी अटेंड करेंगे। चलिए, और एक तो लक्ष्य बैच है अपना, उसके अलावा गाइज आपका हिस्ट्री का प्रयास बैच है पेपर 2 का, यानी हिस्ट्री का प्रयास बैच है वो आपका है। ये दोनों बैच आपके चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे। चलो तो एक बार आप सब लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। आप सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। लास्ट क्लास में हमने गाइस गवर्नर जनरल कर लिए थे, वॉइस रॉय कर लिए थे, भारत के वॉइस रॉय कर लिए और भारत के गवर्नर जनरल। इस टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो प्रीवियस सेशंस को आप देख लीजिए, वहां पे आपको एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो मिल जाएगा। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उसको अभी हम कवर यहां से करने वाले हैं। चलिए
तो आज का जो फर्स्ट हमारा इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज है वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं गाइस, इनको हम फादर ऑफ बेंगोल रेनाइसेंस बोलते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के पिता के रूप में हम राजा राम मोहन रॉय को जानते हैं। ये एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे, सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में फेमस हुए हैं गाइस। इनकी जो विचारधारा थी वो रैशनलिज्म, तर्कवाद एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड थी। इस पे बेस्ड थी, तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इन्होंने बल दिया। बंगाल पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं और भारतीय आधुनिक भारत के जनक भी माने जाते हैं। एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। ओके, प्लीज इसको याद रखना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम कर चुके हैं राजा राम मोहन। इन्हीं के ही प्रयासों से हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में जो सती सिस्टम है उसको बैन कर दिया गया था। ये एज ए एम्बेसडर भी गए हैं इंग्लैंड, मुगल्स का एम्बेसडर बन के। ओके, जो अकबर सेकेंड था उन्होंने इनको राजा का खिताब दिया, अकबर सेकेंड, ठीक है, अकबर शाह सेकेंड, जिनके द्वारा इनको राजा का जो टाइटल मिला था वो अकबर शाह सेकंड के द्वारा दिया गया था। और अकबर शाह सेकंड ने इनको बोला कि आप इंग्लैंड तो जा ही रहे हो, मेरी थोड़ी सी पेंशन भी बढ़वा देना वहां से, रानी को बोल के। तो एज अ दूत, एज अ एम्बेसडर ये गए थे इंग्लैंड में, है ना, अकबर शाह सेकंड के बन के। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है जी। अकबर शाह सेकंड के दूत बन के ये गए थे और मुगल बादशाह अकबर के राजदूत के रूप में इंग्लैंड का दौरा भी इन्होंने किया। उसके बाद में इनके जो धार्मिक सुधार हैं, रिलीजियस रिफॉर्म है, उसको एक बार देख लेते हैं। धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म, सबसे पहले तो गाइस इन्होंने वेदांत जो फिलोसफी है उसको प्रमोट किया, है ना। इन्होंने ये चाहते थे कि हिंदुइज्म प्यूरिफाई हो एंड प्रमोट मोनोथिस्टिक आइडियल ऑफ वेदांता। एकेश्वरवाद के बारे में, एकेश्वरवाद पे उन्होंने बल दिया, यानी एक ही भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। इनकी एक किताब थी, टू फात उल मुआवुद्दीन, अ गिफ्ट टू मोनोथिसिस, ठीक है, जो कि 1803 में पब्लिश हुई। और ये जो बुक थी, बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो सोशल इविल्स हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, उन पे काफी कटास इन्होंने किया है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंडेड द आत्मीय सभा इन द कलकत्ता 1814 में। इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी में जो रिचुअलिज्म है ना, उसको भी क्रिटिसाइड किया, एंड क्रिस्ट को एज अ इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान के अवतार के रूप में भी ये नहीं मानते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, द परसेप्ट ऑफ इन परसेप्ट ऑफ जीसस। तो दो बुक हमने देख ली, एक तो अ गिफ्ट टू मोनोथीसिस, आप लिख लीजिए यहाँ पे टू मोनोथीसिस, एक बुक ये थी इनकी। दूसरा है आपका इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस, एक बुक इनकी ये थी। तो ये दो बुक थी जो किसकी थी, राजा राम मोहन राय की, को जरूर याद रखना। तो धार्मिक सुधार हमने देख लिए, है ना, इनके जो इनका जो धर्म के ऊपर जो विचार था वो वेदांत के तर्क पर आधारित था। आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की 1814 में। इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी बुक थी, 1820 में आई, और गिफ्ट टू मोनोथिसिस 1803 में पब्लिश हुई। एकेश्वरवाद के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस किया, इनकी जो फिलोसफी थी
वो एकेश्वरवाद के ऊपर बेस्ड थे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनके सामाजिक सुधार, रिफॉर्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इनके सामाजिक सुधार पढ़ेंगे। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821 एंड द ब्रह्म समाज सभा इन 1828, लेटर ये बन जाता है आपका ब्रह्म सभा। प्लीज इसको याद रखना कि सोशल रिफॉर्म में एक तो कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की, जो कि 1821 में था, एंड इसको यही आपका क्या बन जाता है, ब्रह्म समाज। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अगेंस्ट आइडोलोट्री वर्शिप एंड मिलिंगलेस रिचुअल्स। इन्होंने मूर्ति पूजा और जो भी हमारे कर्म कांड थे उनका विरोध किया। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, इन सब का विरोध किया। इसके अलावा गाइज इन्हीं के प्रयासों से सती सिस्टम है उसको बैन करवाया गया 1829 में। सती को विडो रिमैरिजेस की इन्होंने बात की, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात की, इलिटरेसी ऑफ वुमेन की बात इन्होंने की। तो ये सारे के सारे सामाजिक सुधार हैं जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किए गए थे। ठीक है, इतना क्लियर है। ब्रह्म समाज, सबसे पहले ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और अर्थों के खिलाफ इस्तेमाल के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह, बाल विवाह और महिलाओं की निरक्षरता के बारे में राजा राम मोहन रॉय ने बात की। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के एजुकेशनल रिफॉर्म्स। क्या पढ़ने वाले हैं, राजा राम मोहन रॉय के एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नाउ इन्होंने एजुकेशन के लिए काफी चीजें की गई जो कि हम हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं और यहां भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के लिए यानी आधुनिक शिक्षा के लिए भारत में काफी इन्होंने प्रयास किए। इनके द्वारा डेविड हारी की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 में। सबसे पहला कदम तो इन्होंने ये उठाया, क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। उसके बाद में 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया इन्होंने। फिर 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जहां पे वेस्टर्न सोशल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस जो सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाए जाते थे। उसके बाद में इन्होंने बंगाली ग्रामर की बुक भी है को भी पब्लिश किया, उसको भी लिखा, गोड़िया ब्राह्मण करके एक बुक है ना, ग्रामर की वो बुक है बेसिकली, उसको भी इन्होंने पब्लिश किया। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए, शैक्षिक सुधार हैं वो इनके द्वारा ये किए गए हैं। चलो शैक्षिक सुधार क्लियर है, हिंदू कॉलेज की 1817 में, एंग्लो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की और बंगाली व्याकरण पुस्तक का संकलन भी बंगाली भाषा में किया गया इनके द्वारा। उसके बाद है राजा राम मोहन रॉय के इकोनॉमिक एंकल रिफॉर्म्स। देखो इनके द्वारा सिविल लिबर्टीज और प्रेस की फ्रीडम के लिए काफी प्रयास किए गए। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड हास्टिंग, कल भी हमने बात की 1819 में जब प्रेस को सेंसरशिप लगा देते हैं, तो यहाँ पे वो तीन मैगजीन हैं, तीन जर्नल्स हैं उनको पब्लिश करते हैं। पहला कौन सा है, ब्राह्मणिकल मैगजीन है 1821 में, दूसरी है बंगाली वीकली कौमुदी 1821 का। ये तीन मैगजीन है जो इनकी याद रखनी है आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, एक आपका बंगाली वीकली और संवाद कौमुदी 1821 में, एक मिरातुल अकबर है ये पर्शियन लैंग्वेज में है और संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में। एक बार चेक करके आप बताएं आप सब लोग, अभी क्लियर है आपको एवरीवन?
अभी चेक करके बताएं सब लोग, अभी क्लियर है आपको? आई थिंक अभी क्लियर होगा सबको। चलिए, तो हमने देख लिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनके रिफॉर्म्स हैं, इनको देख लिया। अब हम देखेंगे इनके लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के जो लिटरेरी वर्क्स हैं है ना, वो कौन कौन से हैं? एक तो देखो, हमने देखा तुहफत उल मुआव की दिन 1804 में, ठीक है, एक वेदांत गाथा 1815 में है ना, एक ट्रांसलेशन ऑफ अब्रीजमेंट ऑफ वेदांत सारा 1816 में, कठोपनिषद, ईशोपनिषद है ना, मुंडको उपनिषद, इनका इन्होंने इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया था बेसिकली। एक अ डिफेंस ऑफ हिंदू थीसियम 1820 में, परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन, स्टोरी ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, गोड़िया व्याकरण जिसकी अभी हमने बात की थी। तो ये सारे के सारे क्या है, राजा राम मोहन रॉय के लिटरेरी वर्क्स। देखो, अगर आपने ये आज वाली क्लास ले ली तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। इतना डिटेल में मैंने आपके लिए ये नोट्स हैं वो आपके लिए हैं कि यहां से कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी। अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे, अच्छे से इसको देखोगे, तो कोई भी फैक्ट्स है यहां से बाहर नहीं जाएगा। इतना डिटेल में है आज की क्लास आपकी। ओके, तो ये हो गया, ये है राजा राम मोहन राय की साहित्यिक कृतियां। दोबारा से देख लीजिए, एक तो गोड़िया व्याकरण है, दूसरा इन्होंने उपनिषद्स हैं उनका ट्रांसलेशन किया, वेदांत गाथा इनके द्वारा की गई है ना, तो ये सारे के सारे इनके क्या हैं, लिटरेरी वर्क। तो ये थे हमारे राजा राम मोहन। अब हम चलते हैं आगे, हेनरी लुईस विवान डेरेचियो, काफी यंग थे है ना, 1809 से 1831 तक में ही इन्होंने काफी कुछ किया था गाइस। सबसे पहले तो ये एक एंग्लो इंडियन थे, ये आपको याद रखना है, एंग्लो इंडियन पोइट थे और असिस्टेंट हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज के। क्या थे? असिस्टेंट हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज के। एक रेडिकल थिंकर भी थे गाइस है ना, और इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट है उसको चलाया। यंग बंगाल आंदोलन के जो चलाने वाले थे वो हेनरी विमान डेरोजियो थे। इन्होंने अपना एक खुद का न्यूज़पेपर था इनका, जिसका नाम था कलकत्ता गजट। क्लियर एवरीवन? ना, ये प्रभावित किससे थे गाइस? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से ये प्रभावित थे, फ्रांस की क्रांति से ये क्या थे, प्रभावित थे। उसके अलावा यहाँ पे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज भी इन्होंने स्टेब्लिश की है ना। इन्होंने रैशनलिटी पे काफी जोर दिया, इन्होंने फ्री थिंकिंग के ऊपर जोर दिया, यानी स्वतंत्र सोच के ऊपर इन्होंने बल दिया, तर्कवाद पे इन्होंने बल दिया, लव लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये इनके मेन नारे थे, स्लोगन थे बेसिकली, ठीक है, लव लिबर्टी इक्वलिटी, ये इनके क्या थे, मेन नारे थे। इन्होंने वुमेन्स के राइट्स और एजुकेशन की भी बात की, हेनरी लुईस विवान डेरोजियो। और ये जो डेरोजियो हैं गाइस, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ इंडिया भी माने जाते हैं, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ इंडिया, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। सर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर शाह सेकंड। ये हमने अभी किया है, कुछ स्लाइड पहले ही किया है इसको, अकबर शाह सेकंड ने उनको ये उपाधि दी थी ना। लेकिन जो हेनरी लुईस विमान डेरेजियो हैं, जो डेरेजियो हैं गाइस, ये अपना इम्पैक्ट ज्यादा नहीं छोड़ पाए थे, क्योंकि इनकी जो सोच थी, इनके जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा रेडिकल थे, इनको तुरंत चेंज चाहिए था, इसलिए इनका जो मूवमेंट है
यंग बंगाल मूवमेंट है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाए। जैसे कि मैंने बताया, इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया मानते हैं, इंडिया का पहला नेशनलिस्ट पोएट के रूप में ये फेमस है ना। इनकी कुछ पोएम्स हैं, कुछ कृतियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं गाइस। एक तो है टू इंडिया माय नेटिव लैंड एंड द फकीर ऑफ जंग हेरा, एक है द हार्प ऑफ इंडिया, एक है सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्टर। ये कुछ इनकी फेमस पोइट्स हैं, पोएम्स हैं ना, फेमस वर्क हैं जिनको आपको याद रखना है। देखो ये आपको बहुत आसानी से किताबों में ढूंढने से नहीं मिलती हैं, तो प्लीज इनको सब लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, है ना। ये मैं फर्स्ट टाइम आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इन सब के बारे में, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लो अपने नोट्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये हैं इनकी महत्वपूर्ण कृति या इनके इंपोर्टेंट वर्क्स। उसके बाद में है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो 1817 से 1898 के बीच में इनका टाइम पीरियड होता है। ये एक मोस्ट एमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट एंड फिलोसोफर हैं 19th सेंचुरी के, सर सैयद अहमद खान जी। और इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन पे बल दिया फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए इन्होंने काफी काम किया फॉर द साइंटिफिक, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन पे ना, ये मुस्लिम को वेस्टर्न एजुकेशन है वो देना चाहते थे। ये क्रिश्चियनिटी पे भी काफी नॉलेज इनको था, इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉमेंट्री ऑन द होली बाइबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कॉमेंट्री ऑन द होली बाइबल। इनकी जो बुक का नाम है वो क्या है, कॉमेंट्री ऑन द होली बाइबल, इसको जरूर याद रखना सब लोग, एवरीवन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1869 में, इन 1869 रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, स्टार ऑफ इंडिया का आदेश जारी हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनके लिए। उसके बाद में ये हमने देख लिया, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार आप सब। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड में है वो ये है, कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है कि इनकी बुक का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद में ये हमने बात की कि वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को ये टीचिंग ऑफ इस्लाम से क्या करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे। उसके बाद में ये जो ब्रिटिशर्स हैं गाइस, उनके काफी वफादार भी रहे हैं, है ना। ऐसा बताया जाता है कि टू नेशन थ्योरी के ये फाउंडर माने जाते हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी ब्रिटिशर के द्वारा, है ना। इन्होंने दादा भाई नारोजी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी सपोर्ट किया था बेसिकली, है ना। और लास्ट में गाइस, इन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट को, एंटी कांग्रेस फ्रंट है उसकी स्थापना की थी। इन्होंने लोगों को बोला कि कांग्रेस को ज्वाइन मत कीजिए बेसिकली, तो इनको एंटी कांग्रेस भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक एंटी कांग्रेस फ्रंट है उसकी स्थापना बेसिकली की थी और लोगों को बोला कि आप कांग्रेस को ज्वाइन मत कीजिए ना। अब यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आने के चांसेस, देखिए। एक तो इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में, सबसे इम्पोर्टेंट। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया 19th सेंचुरी में फॉर द मुस्लिम्स। एक इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ स्थापना की, ठीक उसी तरह जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड है, इसी तरह से इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878 में इनको नॉमिनेट किया गया, तो ये भी काफी
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये आपके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल पोलिस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। एक रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के मॉडलिंग पे अलीगढ़ सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। एक 1878 में वाइसरॉय की विधान परिषद के लिए भी इनको मनोनीत किया गया था गाइस। ना उसके बाद में तहजीब उल अकला, ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली, है ना। इनकी एक मैगजीन थी तो जरूर याद रख लेना सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तहजीब उल अखलाक। और ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे गाइस, है ना। रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ थे, है ना, पर्दा के भी खिलाफ थे ये, पॉलीगैमी, है ना, और इजी डाइवोर्स के पक्ष में थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही गाइस। नाउ एक चीज, एक बुकलेट और है इनकी जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, अस्हाब ए बगावत ए हिंद, है ना, रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक इन्होंने बुकलेट जारी किया था, तो आपसे पूछा जा सकता है अस्बाब ए बगावत ए हिंद, यानी इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस लिए हुई थी, इस पे इन्होंने एक बुकलेट है वो भी जारी की थी गाइस। अब देवेंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर से पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस उनको कर लेते हैं, वरना तो एक दिन में अगर हम इतने करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे चीजें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन भी रहे। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कल नहीं कर पाए थे, इनको अभी करेंगे। आंसर कीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 909, मोंटेगू चेंज फॉर रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर बताओ सब लोग, इसका आंसर कीजिए, सही उत्तर क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे आपके, और एक आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, अधिनियम आया था आपका, जिसको हम मोंटेगू चेम्सोन रिफॉर्म बोलते हैं, बेसिकली उसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया था। रिजर्व सब्जेक्ट बेसिकली कौन से थे आपके, तो फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी एंड पुलिस, ये रिजर्व सब्जेक्ट थे। कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट से जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये आपके क्या थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं हस्तांतरित सब्जेक्ट। ओके जी, हस्तांतरित सब्जेक्ट, और एक आपके थे आरक्षित विषय। तो ये है आपके आरक्षित, ये है हस्तांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, क्रिप्स मिशन, मोंटेग्यू चेम्सफोन रिपोर्ट, साइमन कमीशन, मोरले बिंटो रिफॉर्म्स। आंसर कीजिए, बताओ सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग
इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रिप्स मिशन, मोंटेगू चेन रिपोर्ट, साइमन कमीशन या मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ए बी सी या डी? सही आंसर बताओ। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म है 1909 में आते हैं, कल ही हमने बात की है। साइमन कमीशन है 1928 में आता है। मोंटेग्यू चेंथो रिफॉर्म अभी बात की है 1919 में आता है। और क्रिप्स मिशन है वो आपका बेसिकली 1942 में आता है। तो सिंपल आराम से हो गया क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अपना, इजी वे में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, क्लियर है ये, डेट्स क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डी अनाउंस बाय कांग्रेस एज एन इनएडुकेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोंटेगू चेंथो रिपोर्ट 1918, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, कम्युनल अवार्ड 1932? आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डी अनाउंस बाय कांग्रेस एज इन एडुकेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग? कौन से एक्ट को उन्होंने बोला है? सो द वेरी करेक्ट आंसर बी, नोट सी, मोंटेग्यू चेन्सोन रिफॉर्म को बोला गया है। ठीक है, जो 1919 का जो अधिनियम आया था बेसिकली, ठीक है, जो रिपोर्ट आई थी उसको बोला गया है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इनएडुकेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंट। इसको आपको याद रखना है, एवरीवन भूलना नहीं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस? 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ए बी सी एंड डी, बताओ। सही आंसर क्या होगा? अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है गाइज, मुझे भी पता है, बार बार बफरिंग वाला साइन देने से देखो समस्या का हल नहीं होगा। थोड़ी सी क्लास बची है ना, कर लेते हैं, वरना तो देखो क्लास को ऑफ करना पड़ेगा फिर। आई थिंक कर सकते हैं अपन क्लास को ऐसे नेटवर्क में भी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो जनरली ये हो सकता है। तब सब लोग आराम से क्लास को लीजिए, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा नेटवर्क वाला इशू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी। ओके, अब इसको देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम देखते हैं 1930, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1932, नेहरू कमिटी रिपोर्ट 1928 एंड डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी, सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, तो आंसर क्या होगा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिख गोट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सिखों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विशेष मतदान मिले? बताओ। द सिख कोर्ट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 15 सेकेंड एंड आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ, द सिक्स कोर्ट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सिख हैं, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, इनको स्पेशल वोटिंग राइट्स मिले थे, स्पेशल वोटिंग राइट्स। तो ये हमें और आप सबको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द अवादी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1956 असबस्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, गरीबी हटाओ या सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सहकारी खेती, आयात प्रतिस्थापन, गरीबी हटाओ, समाज का समाजवादी पैटर्न। बताइए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर। द अवादी सेशन ऑफ द कांग्रेस एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ, सही आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1956 का अवधि सेशन हुआ था बेसिकली, वहां पे किस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया? ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है ना, आजादी के बाद का जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था। क्योंकि हम देखते हैं कि 1992 से पहले भारत का जो आर्थिक ढांचा था वो कैसा था, समाजवादी था, सोशलिज्म पे बेस्ड था। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था के तहत क्या है कि जितने भी हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। 1992 के बाद में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन मिलने लगा। ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ने लगे। उससे पहले क्या था, समाजवादी पैटर्न में क्लोज इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, क्लोज क्लोज इकोनॉमी थी। तो ये कब अडोप्ट किया गया, इन 1956 में इसको अडोप्ट किया गया। नेक्स्ट, असर्जन है एंड रीजन है, कथन है और कारण दिया है। कथन क्या दिया है,
अम्बेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, ही वाज इन एग्रीमेंट विद गांधी। ए बी सी या डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 15 सेकेंड, आंसर बताओ लोग। अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, ही वाज इन एग्रीमेंट विद गांधी। तो बताओ, सही आंसर क्या होगा? सो द वेरी करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पहला वाला तो सही है ना, लेकिन दूसरा वाला गलत है क्योंकि गांधी जी अगेंस्ट में थे। गांधी जी क्या थे? अगेंस्ट में थे। मैसेज तो समझौता हुआ था गाइस, वो बेसिकली पुना पैक्ट हुआ था 1932 में, यरवदा जेल में, जब गांधी जी आमरण अनशन पे गए थे। ठीक है जी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, एक चीज ये पूछी जाती है कि इनके मीडिएटर कौन थे गाइस। तो मीडिएटर के रूप में जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अंबेडकर एंड गांधी जी का बातचीत करवाई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके मध्यस्थता किसने की थी ना, तो मध्यस्थता जो की थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? सितंबर 1932, यरवदा जेल में। यरवदा जेल में बेसिकली ये समझौता है, पुना पैक्ट है जो होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद है वो किसके द्वारा सृजित किया गया? कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, एक सर चार्ल्स मेटकेफ। ये डी ऑप्शन है। 15 सेकेंड, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन एंड सर चार्ल्स मेटकेफ। बताओ। सही आंसर दीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वॉरेन हास्टिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन या सर चार्ल्स मेटकेफ। चलो, तो आंसर क्या है आपका? बी, वॉरेन हास्टिंग। देखो, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर का जो पद है वो वॉरेन हास्टिंग के द्वारा किया गया। इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन वाले इसके द्वारा किए गए? कौन वाले इसके द्वारा सुधार किए गए थे सिविल सर्विस में? कल भी मैंने आपको बताया था और बताने के बाद भी आप मोस्ट ऑफ द पीपल इसको गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना है आपका? बी ही है गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट 19 क्वेश्चन।
एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हाउ मेनी ईयर्स वर लेड डाउन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन द रेलवेज कस्टम्स पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 2 ईयर 5 ईयर 4 ईयर या 6 ईयर 10 सेकेंड आंसर कीजिए। टू ईयर है, 5 ईयर है, 4 ईयर है या 6 ईयर। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए। दोसा। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का ही है ये क्वेश्चन, और आई होप आप सब लोग इसका आंसर कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची है, यानी जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल? 11 है, 10 है, 9 है या 12 है? सो बताओ, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची कितनी है? तो टोटल अनुसूची कितनी है गाइस? 12। ठीक है, 12 शेड्यूल है अपने। इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड विसागिस डेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना की परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या बोला उन्होंने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करना है? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। भारत को गणतंत्र बनाया जाना चाहिए। भारत को वर्चस्व का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी डोमिनियन स्टेटस। फिफ्टीन सेकेंड आंसर कीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है, वो है आपका डी। उन्होंने क्या बोला कि जो बेसिकली आपका क्रिप्स प्रपोजल था, क्रिप्स मिशन आया था आपका, उसमें बेसिकली क्या बोला गया था? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने वो बोला था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस अंडर द एक्ट ऑफ 1990। बताओ, सही आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंद्रह सेकंड है आपके पास में। साइमन कमीशन, सप्रू कमीशन, बटलर कमीशन या मुदीबहन कमीशन?
Which one of the following recommended a change in the pattern of diarchy introduced under Act of 1990? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए। नेक्स्ट, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना की गई थी। कैबिनेट मिशन में भारत के लिए कैसा फेडरेशन चाहिए, फेडरेशन, परिसंघ, क्वासी फेडरेशन या यूनियन ऑफ स्टेट, कैसे भारत की परिकल्पना की गई थी कैबिनेट मिशन में? पंद्रह सेकेंड और आंसर करें। द कैबिनेट मिशन प्लान्स एंड विसागेज फॉर इंडिया, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, क्वासी फेडरेशन या यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट। आज जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं गाइस, प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है इंडिया, डेट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये लिखा हुआ है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा कैबिनेट मिशन बोलता है। ओके, अब देखो यहां पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मेंबर थे। तो एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, एक स्टेफर्ड क्रिप्स है, एक आपके एवी अलेक्जेंडर है। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो आई रिपीट, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये आपके क्या है, कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में सांप्रदायिक मतदान की प्रणाली शुरू की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैड इंट्रोड्यूस्ड द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। 15 सेकेंड। बताओ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। सही आंसर क्या होगा इसका, इंडियन काउंसिल एक्ट 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका, ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 909। नेक्स्ट, अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित फेडरेशन में परिणामहीन शक्तियां, ठीक है, रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं है ना, वो किसको दी गई थी। 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो किसके पास थी, फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर। बताओ, इन
इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाई एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर्स। करेक्ट आंसर क्या है आपका? गवर्नर जनरल। ओके जी, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गवर्नर जनरल के पास में रेसिड्यूरी पावर्स थे। ये था आज का सेशन एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है गाइस तो लाइक और शेयर कीजिए, एंड आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और वैसे तो हमारी कल भी क्लासेस होंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, आप सभी को नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। ओके जी, सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। उसके अलावा गाइस आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। ऑफर ये है, अगर आप 1 से 3 जनवरी के बीच में अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी प्लान आप चूज करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको 22% डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा, प्लस आपको अपने क्रेडिट्स का डिस्काउंट भी यहाँ से मिलेगा। काफी अच्छा मौका है, जो भी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट प्लस पे पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड से आपको 22% डिस्काउंट मिल जाएगा 1 से 3 जनवरी के बीच में, कोई भी प्लान आप लीजिए। और अभी हमारे जो कोर्स हैं वो, एक तो देखो लक्ष्य बैच चल रहा है, इसके अलावा हमारा प्रयास बैच है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ हिस्ट्री का। तो जो भी स्टूडेंट प्रयास बैच से जुड़ने वाले हैं, ये आपका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट प्रयास बैच से जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जनवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सब लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा शेड्यूल है, 7:30 बजे आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं हिस्ट्री की, एंड शाम को 4 बजे आपका पेपर वन का स्पेशल क्लास। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 7 PM पे प्लस की क्लास होगी, तो उसको ज्वाइन करें। अगर आप फ्री क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो अनलॉक कोड होगा मेरा Q10, इस कोड को अप्लाई करें जिससे कि आपको फ्री क्लासेस और PDF भी मिल सके। इसके अलावा ये प्रोफाइल है अनअकैडमी का, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। प्लस ये आइकोनिक कोर्स जो भी आप ज्वाइन करना चाहें, दोनों में आपको यहाँ पे 22% डिस्काउंट है वो मिलेगा। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, दोनों में आपको 22% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, 24 मंथ एंड 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में मिलते हैं। ज्यादा फायदा आपको आइकोनिक में होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल, ये सब आपको यहाँ से मिलता है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता भी सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं और प्लस क्लासेस को भी आप अटेंड कीजिए जिससे कि आपको काफी बेनिफिट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें हमारी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।